हे एवरीवन, हेलो, गुड मॉर्निंग। आई होप आप सभी अपनी फैमिली के साथ बिल्कुल स्वस्थ, सुरक्षित एंड हैप्पी होंगे। सो आज के इस लॉकडाउन सेशन में हम पढ़ेंगे सम फ्रेजेस जो हमें इंग्लिश कन्वर्सेशन में हेल्प करने वाला है। इंग्लिश कन्वर्सेशन सबसे पहले कन्वर्सेशन होता क्या है? कन्वर्सेशन मीन्स होता है वार्तालाप। वार्तालाप का मतलब होता है जब दो व्यक्ति आपस में बातचीत करते हैं, उसे वार्तालाप कहते हैं जो जब दो लोग आपस में बात करते हैं तो उसे वार्तालाप कहते हैं। और यहाँ पे मैंने बोला इंग्लिश कन्वर्सेशन का मतलब यानी अंग्रेजी वार्तालाप यानी इंग्लिश कन्वर्सेशन। इज दैट क्लियर? यानी इंग्लिश कन्वर्सेशन तो हमारा क्लियर हो गया कि इंग्लिश कन्वर्सेशन होता क्या है। तो इंग्लिश कन्वर्सेशन में ये फ्रेजेस हमें हेल्प करने वाले हैं जो कि अभी मैं पढ़ाने वाली हूँ। जिस फ्रेज के सामने मैं डिस्कस करूँगी आप सभी के साथ, वहाँ उसके सामने रेड डॉट हो जाएगा, लाइक दिस, ऐसे, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट जो फ्रेज है वो है हमारा बहुत अच्छा। जब हमें किसी को बोलना रहता है कि बहुत अच्छा, वेरी गुड, तो हम उसे बोलेंगे वेरी गुड। इंग्लिश में हम उसे बोलेंगे वेरी गुड, ये हो गया बहुत अच्छा, ये हो गया है वेरी गुड। सेकेंड है बहुत खूब। जैसे कुछ भी, जैसे आपकी राइटिंग बहुत अच्छी है या आपने कुछ लिखा बहुत अच्छा है, तो हम उसे बोलते हैं बहुत खूब। तो हम यानी बहुत खूब, तो हम उसे इंग्लिश में बोलेंगे हाउ नाइस, जल्दी करो। अगर कहीं जाना होता है फटाफट, तो हम बोलते हैं घर में कि जल्दी करो, तो जल्दी करो तो हुआ हिंदी। इसे इंग्लिश में बोलते हैं हरी अप। प्रिय, जब भी कोई सामने वाला प्रिय यानी जो हमें प्यारा हो उसे हम बोलते हैं प्रिय। तो प्रिय तो हुआ हिंदी, ये हुआ प्रिय, और हमें बोलना है इंग्लिश में प्रिय को, तो हम बोलेंगे ओह डियर। नेक्स्ट है बेशक। हम बोलते हैं कि बेशक मैं ये काम कर सकती हूँ, यानी बेशक मैं आप सभी को पढ़ा सकती हूँ। तो बेशक जब बोलना हो हमें, तो ये तो हुआ हिंदी बेशक, इसका इंग्लिश होगा ऑफ कोर्स, ये हुआ। जरा सुनिए, जब भी किसी को हमें रोक के कुछ बोलना होता है तो हम बोलते हैं जरा सुनिए, ये हुआ जरा सुनिए। और इसे हम इंग्लिश में बोल सकते हैं जस्ट लिसन। सच, जैसे कि अगर आपसे कोई बोले कि कल स्कूल खुलने वाला है, तो आप बोलोगे सामने सच, रियली, तो इसे हम बोलेंगे ये हुआ सच और ये हुआ रियली। ईश्वर को धन्यवाद, जब भी कोई अच्छा काम हमारे साथ होता है तो हम भगवान का धन्यवाद करते हैं, यानी ईश्वर को धन्यवाद दिए, हिंदी में हुआ ईश्वर को धन्यवाद। हमें इसे इंग्लिश में बोलना हो तो हम बोलेंगे थैंक गॉड, हे भगवान। नेक्स्ट है हे भगवान। हमारे साथ कुछ गड़बड़ी हो जाता है या सामने वाला कुछ गड़बड़ कर देता है, तो हम बोलते हैं हे भगवान, ये हुआ हे भगवान, और ये हुआ जस्ट इसके सामने माई गॉड। तो इंग्लिश में हम बोलते हैं माई गॉड। चाहे जो हो लेकिन मैं ये काम करूँगा या करूँगी, ऐसा होता है हम लोग बोलते हैं। तो ये तो हुआ हिंदी चाहे जो हो, लेकिन इसे इंग्लिश में बोलना हो तो हम बोलेंगे कम व्हाट मे। आइए आपका स्वागत है बोलते हैं नॉर्मली कोई स्वागत है बोलते हैं। तो ये तो हुआ हिंदी, और स्वागत है का इंग्लिश होता है वेलकम, बोलते हैं स्वागत है को इंग्लिश में वेलकम।
जब कोई सामने वाला बहुत खूबसूरत लगता है तो हम बोलते हैं कि कहीं नजर ना लगे, तो उस टाइम बोलते हैं, ये तो हुआ हिंदी, कहीं नजर ना लगे। और इसका इंग्लिश होता है टच वुड, टच वुड। रुको, जाते हुए आदमी को या लड़की को या लड़के को या किसी फ्रेंड को रोकना हो तो हम बोलते हैं रुको, ये तो हुआ हिंदी, रुको। इसे इंग्लिश में बोलेंगे स्टॉप, स्टॉप। बधाई, जब भी किसी की शादी हो, एनिवर्सरी हो या फिर बर्थडे हो तो हम उसे बधाई देते हैं, कांग्रेस कर उसको बधाई देते हैं। तो बधाई, बधाई हुआ हिंदी, और बधाई का इंग्लिश होगा कॉन्ग्रेचुलेशंस, कॉन्ग्रेचुलेशंस। इसका प्रोनाउंसिएशन थोड़ा कठिन है लेकिन फिर भी कोशिश करने पे हो जाएगा, कॉन्ग्रेचुलेशंस, कॉन्ग्रेचुलेशंस। अद्भुत, जैसे कोई मूर्ति हुई बहुत खूबसूरत है तो हम उसे बोलते हैं अद्भुत, यानी बहुत, यानी मार्वलश। अद्भुत तो हुआ हिंदी, इसका इंग्लिश होता है मार्वलश। उस टाइम हम बोल सकते हैं मार्वलश, अद्भुत। कोई पूछता है कि कोई खास बात है क्या, तो हम बोले कोई खास बात नहीं, तो हमें बोलना होता है कोई खास बात नहीं, तो कुछ खास बात नहीं, तो ये हुआ हिंदी कुछ खास बात नहीं। और इसे इंग्लिश में बोलेंगे नथिंग स्पेशल, नथिंग स्पेशल। ना ना, यहाँ ध्यान देने वाली ये बात है, थोड़ा कंसंट्रेट करना आप सभी, यहाँ पे ये कंसंट्रेट करने वाली बात है कि नो के बाद कॉमा है, और जब भी किसी वर्ड के बाद कॉमा होता है तो वहाँ पे हमें थोड़ा ठहरना रहता है, यानी रुकना रहता है, यानी नो, नॉट एट ऑल, ना ना, यहाँ पे है ना ना, यानी नो, कॉमा है तो हमें रुकना है थोड़ा, नो, नॉट एट ऑल। नेक्स्ट है क्यों नहीं, कभी बोलना है कि कल स्कूल जाना है तो हम बोलते हैं क्यों नहीं, तो ये तो हुआ हिंदी क्यों नहीं, इंग्लिश होगा वाई नॉट, हम बोलेंगे इंग्लिश में वाई नॉट। क्या बकवास है, अगर कोई झूठ बोलता है या कुछ फालतू बोलता है तो हम उसे गुस्सा आता है तो हम बोलते हैं उसे क्या बकवास है, यानी ये हुआ हिंदी क्या बकवास है। इसका इंग्लिश होगा व्हाट नॉनसेंस, व्हाट नॉनसेंस। बको मत, जब भी कोई सामने वाला कुछ उल्टा पुल्टा बोलते रहता है तो हम उसे बोलते हैं बको मत, तो ये हुआ हिंदी बको मत। और इसका इंग्लिश होगा स्टॉप नॉनसेंस, स्टॉप नॉनसेंस। नेक्स्ट है सुंदर, सामने वाला मुझे बहुत सुंदर लग रहा है या किसी की ड्रेस बहुत खूबसूरत है तो हम बोलते हैं सुंदर है या सुंदर, तो उस ये हुआ हिंदी सुंदर, और इसको इंग्लिश में बोलेंगे ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, अति सुंदर। कुछ बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है, कुछ चीज़ें बहुत खूबसूरत होती हैं तो उस टाइम हमें बोलना नहीं होता, हमसे निकल, मतलब हमारी जुबान से निकल जाता है कि अरे बहुत अति सुंदर या वाओ बहुत सुंदर, तो उस टाइम बोलते हैं अति सुंदर को हम बोल सकते हैं मस्ट ब्यूटीफुल, मस्ट ब्यूटीफुल। मस्ट मीन्स हो गया अधिक यानी अति, और ब्यूटीफुल मीन्स हो गया सुंदर। कितना गंदा, जैसे किसी की ड्राइंग बहुत गंदी लग रही है, किसी ने गंदा ड्राइंग बना दिया तो हम बोलते हैं कि कितना गंदा है, कितना गंदा, तो उस टाइम हम बोल सकते हैं हिंदी हुआ कितना गंदा, इसकी इंग्लिश होगी हाउ डर्टी, इसे हम बोल सकते हैं हाउ डर्टी। ये हुआ कुछ फ्रेजेस हुए जो हम डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, नेक्स्ट फ्रेजेस है ये, लिस्ट ऑफ फ्रेजेस इन हिंदी एंड इंग्लिश। इसमें है, फर्स्ट है इसमें जस्ट कमिंग। हमें बोलना रहता है कि मैं अभी आ रही हूँ या मैं अभी आ रहा हूँ, तो मैं अभी आ रहा हूँ ये तो हुआ हिंदी, हमें इंग्लिश में इसे बोलना है तो हम बोलेंगे जस्ट कमिंग, जस्ट कमिंग, या मैं अभी आ रहा हूँ ये हुआ हिंदी, और जस्ट कमिंग हो गया इंग्लिश। सेकेंड है वेरी वेल, सेकेंड है वेरी वेल, यानी बहुत अच्छा। जब भी कुछ अच्छा लगता है तो हम बोलते हैं, सब लोग बोलते हैं बहुत अच्छा, तो ये बहुत अच्छा हुआ हिंदी, और बहुत अच्छा का इंग्लिश होगा वेरी वेल।
नंबर थ्री है यानी थर्ड नंबर है फाइन स्लैश वेरी गुड। देखिए फाइन के बाद ऑब्लिक है यानी स्लैश है वेरी गुड, तो फाइन भी बोल सकते हो वेरी गुड भी बोल सकते हो, अच्छी बात है, दोनों का मतलब एक ही होता है। फाइन का भी मतलब होता है अच्छी बात है और वेरी गुड का भी मतलब होता है अच्छी बात है, यानी दोनों ऑप्शंस हैं, दोनों आप बोल सकते हो वेरी गुड एंड फाइन, दोनों का मीन्स एक ही होता है अच्छी बात है। नंबर फोर है एज यू लाइक स्लैश एज यू प्लीज, जैसे आपकी मर्जी। हमें जब भी किसी सामने वाले को कहना रहता है कि जैसी आपकी मर्जी जो चाहो करो, तो हम उसे बोलते हैं एज यू लाइक एज यू प्लीज़, एज यू लाइक एज यू प्लीज़, दोनों बोल सकते हैं, दोनों का मतलब एक ही होता है जैसी आपकी मर्जी। नंबर फाइव है एनीथिंग एल्स, और कुछ, जैसे हमें इसका मतलब होता है और कुछ, जैसे हमें कुछ बोलना कि और किसी से बोलना है और कुछ, तो हम उस टाइम बोलते हैं एनीथिंग एल्स और कुछ, दैट्स इनफ। नंबर सिक्स है दैट्स इनफ, बस रहने दो। जब हमें गुस्सा आता है तो ये वर्ड का इस्तेमाल करते हैं ज़्यादातर, जब हमें गुस्सा आता है तो हम इस वर्ड का इस्तेमाल करते हैं दैट्स इनफ, बस रहने दो, क्या बकवास है। थैंक्स फॉर दिस ऑनर, जब भी हमें कोई सम्मानित करता है या हमें बहुत अधिक सम्मान देता है या जैसे कि आपको जैसे कोई हमारे यहाँ गेस्ट आता है, हम बहुत अच्छे से खातिरदारी करते हैं, तो वो बोलते हैं कि इस सम्मान के लिए धन्यवाद या जो भी, तो उस टाइम ये तो इस सम्मान के लिए धन्यवाद, ये तो हुआ हिंदी, लेकिन इसे इंग्लिश में बोल सकते हैं थैंक्स फॉर दिस ऑनर। किसी भी चीज़ के लिए कोई सम्मानित होता है तो वो सामने वाले को बोल सकता है जो उसे सम्मानित करता है उसे कि थैंक्स फॉर दिस ऑनर, इस सम्मान के लिए धन्यवाद। ओके नेक्स्ट नंबर एट है ओके। ओके का फुल फॉर्म होता है ऑल करेक्ट, क्या ऑल करेक्ट या ऑब्जेक्शन किल्ड, ये दो तीन होते हैं, मैं श्योर नहीं हूँ, दो तीन होते हैं। ओके का मतलब होता है अच्छा, कुछ भी हमें कहें कि नहीं ठीक है तो हम उस टाइम यूज़ करते हैं ओके, और ओके का मतलब होता है अच्छा ठीक है। नंबर नाइन है वाई नॉट, क्यों नहीं, वाई नॉट का मतलब होता है क्यों नहीं, वाई नॉट क्यों कब इस्तेमाल यूज़ करते हैं, वाई नॉट जैसे हमें कभी भी बोलना होता है कि जैसे बोलना है कि कल कॉलेज जाना है तो हम बोलेंगे हाँ क्यों नहीं, वाई नॉट, तो उस टाइम हम बोल सकते हैं वाई नॉट, नॉट अ बिट। नेक्स्ट है नॉट अ बिट, जब भी हम कुछ अधिक हो जाता है, जैसे कि हमें सामने वाला कुछ खिला रहा है और बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो हम उस टाइम बोलते हैं नहीं थोड़ा सा भी नहीं, तो उस टाइम हम बोल सकते हैं थोड़ा सा भी नहीं, तो हुआ हिंदी और इसका इंग्लिश होता है नॉट अ बिट, नॉट अ बिट। नंबर 11 है टेक केयर, ध्यान रखना, टेक केयर का मतलब होता है ध्यान रखना, और टेक केयर हम कब बोलते हैं, कब बोलना चाहिए हमें टेक केयर, जैसे कि हम दोस्त को घर पे छोड़ के जा रहे हैं तो हम उसे बोल सकते हैं टेक केयर। नेक्स्ट है सी यू टुमारो, नंबर 12 है सी यू टुमारो, दोस्त को घर छोड़ के गए तो उसे हमने बोला टेक केयर, ध्यान रखना अपना, लेकिन उसे फिर मिलना भी तो है कल, तो हम उसे बोल सकते हैं सी यू टुमारो, कल मिलेंगे। यस बाई ऑल मीन्स, नेक्स्ट है एस बाई ऑल मीन्स, हाँ जरूर, इसका मतलब होता है हाँ जरूर, यस बाई ऑल मीन्स। नंबर 14 है दैट इज टू मच, बहुत है, ये भी हम गुस्सा में यूज़ करते हैं या कभी कुछ ज़्यादा हो जाता है तो हम बोलते हैं कि दैट इज टू मच, बहुत है, दैट इज टू मच, बहुत है, यस सर। नेक्स्ट है नंबर 15 है यस सर, ये हम लोग डेली यूज़ करते हैं, यस सर यस मैम हाँ सर हाँ मैम, हर रोज़ क्लास में या स्कूल में तो हम हमेशा यूज़ करते हैं ये इस वर्ड का, हाँ सर यस सर नो मैम नो सर, इस वर्ड का इस्तेमाल हम बहुत ज़्यादा करते हैं। नेक्स्ट है नो, नो के बाद देखना कॉमा है, कॉमा यानी जब भी किसी वर्ड के बाद कॉमा है यानी वहाँ पर हमें ठहरना है, थोड़ा सा रुक के बोलना है, नो नॉट एट ऑल, नहीं कभी नहीं।
और नो नो नॉट एट ऑल का मतलब होता है नहीं, कभी नहीं. नेवर माइंड स्लैश डजंट मैटर, दोनों का मतलब हो तो होता है कोई बात नहीं. नेवर माइंड और डजंट मैटर का मतलब होता है कोई बात नहीं, और नेवर माइंड की जगह पे डजंट मैटर भी बोल सकते हैं, डजंट मैटर की जगह पे आप सब नेवर माइंड भी बोल सकते हो. दोनों का मीन्स एक ही होता है, कोई बात नहीं. इसे हम बोलते हैं जब भी, जैसे कि कुछ गलती हो गई किसी से, तो हम उसे माफ़ कर देते हैं और बोलते हैं कि नेवर माइंड, कोई बात नहीं. एटीन है, नंबर 18 है, नथिंग एल्स, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं. नंबर 18 है नथिंग एल्स, हमें जब भी कहना रहता है और कुछ नहीं, तो हम बोल सकते हैं इसे नथिंग एल्स. नंबर 19 है नथिंग स्पेशल, कोई पूछता है कोई खास बात है क्या, आज बहुत रेडी हुए हो या वगैरह वगैरह, तो उस टाइम बोल सकते हैं नहीं, कोई खास बात नहीं, नथिंग स्पेशल, कोई खास बात नहीं, नथिंग स्पेशल. नंबर 20 है वेलकम. वेलकम वेलकम वर्ड का यूज़ हम करते हैं जब हमें कोई थैंक यू बोलता है, या हमें जब किसी का स्वागत करना रहता है तो हम बोलते हैं वेलकम. वेलकम का मतलब होता है स्वागत या आइए. सो आप सभी को इस फ्रेजेस जितने भी हैं उनको अपनी कॉपी में प्रॉपरली राइट करना है, लर्न करना है, और अपनी डेली लाइफ में इसे यूज़ करना है. और मस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स कि आप सभी को इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना है, ताकि आप सभी को स्कूल से जुड़ी हुई सारे वीडियोस, इन्फॉर्मेशन, नोटिफिकेशन आप सभी को टाइम टू टाइम मिलता रहे. थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग.